हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी इको कार से संबंधित। और मेरी गाइस ये खड़ी है मेरी कार, और मेरी कार को ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और गाइस क्या हुआ कि मैंने काफ़ी दिनों से अपनी कार की गैसकेट की सर्विस नहीं कराई है, और मैंने कार को बराबर चलाया है आईटी पर भाड़े पर। अब क्या है दोस्तों कि कार की जो स्टार्टिंग है इंजन की, वो बहुत लेट हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंजन की स्टार्टिंग कितनी लेट हो रही है, और बार बार एक्सीलेटर में हमें प्रेस करना पड़ रहा है तब जाके हमारी कार स्टार्ट हो रही है। और आज तो पता नहीं दोस्तों क्या होगा कि हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है, वो दब रही है। हम एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं लेकिन गाड़ी हमारी स्पीड में नहीं चल रही है, मतलब दब के चल रही है। तो फिलहाल में अभी तो हमारा आज का भाड़ा हो गया है, लेकिन मैं कल सुबह मॉर्निंग में आऊँगा, कार की जो गैसकेट की सर्विस है उसको टाइम से कराऊँगा। और कार पिकअप क्यों नहीं ले रही है, हालांकि माइलेज मुझे अच्छा खासा मिला है एलपीजी गैस पर, और उसी हिसाब से मैं अपनी कार की गैसकेट की सर्विस कराऊँगा कि माइलेज जो मिल रहा था वो ही माइलेज हमें मिले। तो अभी आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कि कार की स्टार्टिंग कैसी हो रही है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। तो ये रही मेरी कार गाइस, और यहाँ पर मैंने न्यूट्रल कर देता हूँ पहले, यहाँ पर मैंने कार को न्यूट्रल कर दिया है गाइस। अब यहाँ पर मैं सेल्फ लगा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों सेट है एलपीजी, सो मतलब प्योर एलपीजी पर ये स्विच है। गाइस अभी गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी, और बार बार एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ा तब जाके हमारी कार का इंजन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर अभी हम इसको चेंज करेंगे इस पोजीशन में, तो गाड़ी हमारी बंद नहीं होगी। ये पेट्रोल प्लस एलपीजी पर हो गई है, और यहाँ पर नीचे ये पेट्रोल पर आ गई है, मतलब थोड़ी गाड़ी ने कंपन किया और गाड़ी हमारी पेट्रोल पर आ गई है दोस्तों। तो अभी क्या है दोस्तों कि इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, तो यही स्विच बेसन हमारी कार की पेट्रोल पर भी है। ये देखिए दोस्तों ये स्विच जो है ये पेट्रोल पर है, और यहाँ पर मैं सेल्फ लगा रहा हूँ। तो फिलहाल में पेट्रोल पर गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, लेकिन एलपीजी पर हमारी गाड़ी बहुत टाइम ले रही है दोस्तों। यहाँ पर ऑफ करता हूँ, अब आपको दिखा रहा हूँ मैं एलपीजी पर प्लस पेट्रोल पर स्टार्टिंग करके, थोड़ा रुक करके, क्योंकि हो सकता है कि गर्म में गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और ठंडी हो जाती है तो गाड़ी में टाइम लगता है। तो फिलहाल में गाड़ी तो काफ़ी टाइम से खड़ी है यहाँ पर 2-3 घंटे से, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। आप दिखाते हैं आपको दोबारा से, गाइस देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी बिल्कुल अब स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल भी इंजन हरकत नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको कहीं से भाड़े पर से मैं आता हूँ गाड़ी को लेकर के, और गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, मतलब खड़ा कर देता हूँ, और जब कहीं सुबह जाता हूँ पार्टी पर भाड़े पर, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती, बार बार हमें एक्सीलेटर पर प्रेस करना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, और गाड़ी उसके बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद सेल्फ हमारा काम करता है। तो गाइस अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन हो रही है, तो टाइम से आप अपने गैसकेट की सर्विस कराएं, क्योंकि मेरी गाड़ी कम से कम 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, और मैंने सर्विस नहीं कराई है। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इस बात का कि मैं इंजन की 3 बार सर्विस करा चुका हूँ, लेकिन एलपीजी गैसकेट की सर्विस मैंने नहीं कराई है। लेकिन इस पोजीशन में मुझे अब सर्विस करानी होगी, क्योंकि कार का इंजन जो है दब रहा है और पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी, तो मुझे अब इंजन की सर्विस कराना बहुत ही अति आवश्यक है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एलपीजी गैस को भी चेक कर लेते, क्योंकि बराबर गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों भाड़े पर, तो एलपीजी का भी मैंने ध्यान नहीं दिया है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है एलपीजी गैस पर भी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल नील है, अब बस माता रानी की कृपा है कि हम यहाँ से घर तक पहुँच जाएँ, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से घर है, बस घर पहुँच जाएँ, उसके बाद हम इसमें दोबारा से एलपीजी गैस सिलेंडर को रिफ़िल करेंगे। क्योंकि दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो भी सस्ता हो गया है 50-100 रुपये, लेकिन अब वो वाला वीडियो मैं आपको बाद में बनाकर देख बताऊंगा कि एलपीजी गैस जो सिलेंडर हम लेते थे अपने कार में भरने के लिए, रिफ़िल करते थे रेड सिलेंडर, अब उसकी कितनी मारामारी हो चुकी है, मतलब कि अब प्रोसीजर चेंज हो चुका है कि पहले कहीं भी आप एलपीजी गैस सिलेंडर को ख़रीद करके अपनी कार के टैंक में रिफ़िल कर सकते थे, लेकिन अब वो प्रोसीजर नहीं है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा,
और आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों तो मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।